अभी तक हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। होंगे कहाँ भैया? नहीं नहीं लिपिका, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैंने तुझे इसलिए पूछा कि दीदी मेरा फोन नहीं उठा रही है ना, तो सोचा तेरी बात हो गई होगी, सो गई होगी शायद दीदी। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। वहाँ तो किसी को कोई भनक नहीं है, और मैंने भी नहीं बताया क्योंकि चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं वो लोग परेशान ना हो जाए। कुसुम, हम बच्चों से क्या कहेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात उलझती जा रही है। जीजू है ना, उन्होंने ये सब उलझा दिया है। उन्हें साफ साफ बताना चाहिए, वही जानते होंगे सब। लक्ष्मी प्लीज काम डाउन। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? कैसे चुप रहूं मैं? यहाँ दीदी मिल नहीं रही है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, और पता चल भी रहा है तो भी पुलिस स्टेशन से कि बॉडी पहचानो। और जीजू, जीजू तो घर पे भी नहीं है। दीदी को ढूंढने जाना चाहिए उन्हें, उन्हें कुछ फिक्र भी है दीदी की? आज तो जीजू को बहुत सवालों के जवाब देने होंगे। कैसे छोड़ के आ गए दीदी को वो अकेले? वो क्यों नहीं है उनके साथ? और कैसे मान लिया उन्होंने कि दीदी अपने मायके गई है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? झूठ बोल रहे हैं जीजू, पर क्यों? बस करो, हमारा आदित्य झूठ कभी नहीं बोल सकता, संभाल के बात करो। मौसी जी लक्ष्मी तो बस, आदित्य आज किन हालात से गुजरा है शायद तुम लोग सोच भी नहीं सकते, इसीलिए ऐसी बचकानी बातें कर रहे हो। आते ही वो भागा भागा गया है अपने बॉस के पास अपनी नौकरी संभालने के लिए। बेचारा वो खुद इस हालत में नहीं है कि कुछ सोच सके, और तुम उसे दोष दे रहे हो। मौसी जी कोई किसी को दोष नहीं दे रहा है, लक्ष्मी बस खुद बहुत परेशान है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कुछ। लक्ष्मी देखो, आदित्य भाई के साथ भी बहुत कुछ हुआ है आज, वो भी खुद शौक में, इतना गुस्सा करके कोई फायदा नहीं, वो एक बार आ जाएंगे तो सब साबित हो जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं। प्लीज काम डाउन। सॉरी सॉरी मौसी जी, मैं शायद ज्यादा बोल गई। मुझे दीदी की बहुत चिंता हो रही है, वो आप लोगों को छोड़कर इस हालत में छोड़कर ऐसे कभी नहीं गई, और फोन भी ऐसे पड़ा हुआ मिला है उनका। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शांत हो जाओ लक्ष्मी, शांत हो जाओ। देखो हम भी कहाँ कुछ समझ पा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, वहाँ उस हॉस्पिटल में वो औरत की लाश। नहीं लक्ष्मी मत बोलो ऐसा, कुछ नहीं होगा मंगल को, कुछ नहीं होगा। हे माता रानी, हमारी मंगल जहां भी हो सुरक्षित हो, सही सलामत हो, हमारी मंगल की रक्षा करना मां। सौम्या, अभी इस बारे में मेरी बात सिर्फ मंगल से हुई है। घर वालों को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो तो ये सोच रहे हैं कि मंगल मायके गई है। सौम्या पहले मुझे अपने घर वालों से बात करनी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर मैं क्या करूंगा? और मैं क्या करूँ आदित्य, घर में मेरी शादी की बात चल रही है, मैं बस एक बार चाहती हूँ कि तुम आके उनसे मिल लो, एटलीस्ट ये शादी की बात टल जाएगी। अगर तुम एक बार गाजियाबाद चलो ना मेरे साथ। गाजियाबाद? हाँ बस एक बार पापा को संभाल लो, तो एक बार तुम उनसे मिल लो ना। मैंने इतने साल इंतजार किया, इतना कुछ सहा है मैंने, तुम एक दिन के लिए मेरे साथ नहीं चल सकते? एक दिन भी नहीं आदित्य, कुछ घंटों के लिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। मैं अभी मम्मी से बात करके आती हूँ। हाँ
हेलो मम्मी, आप अभी भी मुझसे नाराज तो नहीं है ना? आई एम सॉरी मम्मी, मुझे ना आपसे बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा सुनो ना, मैं कल आ रही हूँ आपसे मिलने। हाँ हाँ कल, और एक सरप्राइज भी है आपके लिए। ठीक है तो कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। सोम्या कल? हाँ आदित, कल चलते हैं ना प्लीज। तुम मना मत करना ओके? मैं ऑलरेडी मम्मी से बोल चुकी हूँ, और जितनी जल्दी हो सके हम मिल लेते हैं ना उनसे उतना अच्छा होगा। और मम्मी पापा से भी बात करेंगी, तुम समझ रहे हो ना? थैंक यू आदित। आप अपनी बेटी की शादी इसे भी जबरदस्ती मत करिएगा। दबाव में की गई शादी ठीक नहीं। आपकी बेटी मजबूरी में किसी से शादी करने की, और फिर सारी जिंदगी निभाती ही रह जाएगी, और फिर एक दिन जब समझौता निभाते निभाते थक जाएगी, निभाना और मुश्किल हो जाएगा। सदा सोचिए अंकल जी, आपकी बेटी हमेशा अपनी शादी बचाने में ही लगी रहेगी। कभी आपकी खुशी के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए उम्मीद ही करती रह जाएगी कि एक दिन उसके रिश्ते में प्यार हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाने कितनी औरतें इसी उम्मीद में अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है कि एक दिन सब ठीक होगा। और ही टूट जाता और गलती लड़की की नहीं, वो तो अपने परिवार की इज्जत शान के लिए विवाह की विधि पे खड़ी हो जाती, अपनी खुशियों का त्याग करके सबकी खुशी के लिए फेरे ले लेती है, फिर साथ वचन निभाती है और निभाती ही रह जाती है। बेटा तुम्हें इधर नहीं आना था, संभालो, ठीक तो हो ना तुम? लाओ इसे मैं रख देती हूँ। हाँ तुम मेरे साथ चलो, आराम करो। इतनी तबीयत खराब है, क्यों आई इधर? ठीक हो? क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। वो बस ऐसे ही आपकी बात सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है तुम पर बुरी गुजरी होगी, और वैसे भी ये अनुभव जिस इंसान के साथ होता है वही ये सब कह सकता है। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी किसी से प्यार करती है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो आप उसका साथ दीजिए। जीवन का इतना बड़ा फैसला लेने में उसे माँ बाप की जरूरत होगी, उसका हाथ मत छोड़िए। बेटा ये सब कहना आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। खैर कल मेरी बेटी आ रही है, तुम उससे मिलना, बातें करना, क्या मालूम तुम उसे अच्छे से समझ सको। फिलहाल तुम जाकर आराम करो, ज्यादा स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।